दोस्तों एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। आखिर नायक ने एक और उन्होंने क्या बात की, बड़ी सीरियस बात है, शोशा है जो शुरली उन्होंने छोड़ी। तो आप अगर एवरेज देखेंगे लड़कियों की तादाद ज्यादा है जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी। Can you imagine? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहाँ पर इतनी खवातीन है उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। जाकर नायक तो मैं गलत किया, क्यों बुलाया यहाँ? पहले मौलवियों ने कम यहाँ पे कर रखा है तमाशा, जिसको के पाकिस्तान में काफी नापसंद किया जा रहा है। कह लीजिए कि जो उन्होंने बातें की कि जी अनमैरिड फीमेल्स को लेकर, उसके ऊपर भी उनकी अच्छी खासी चित्रौल पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है, उसके अलावा भी वो जो कुछ बातें करते रहे हैं अभी तक। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नायक का कहना था कि बजाय मुझे सपोर्ट करने के, मुझे एनकरेज करने के कि मैंने ठीक किया है, लोगों ने मुझे ऊपर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया और यहां तक कहना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान से जाएं। बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान से वापस जाते हुए भी इनको किसी खच्चर, गधे, ऊंट या घोड़े पे भेज देना चाहिए। अब मैं हैरान हूं जाकिर नायक पर भी, पाकिस्तान पर भी और मुस्लिम दुनिया में जो जो उनको चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गैन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान के एक छोटे से तबके जो कि अपने आप को लिबरल मानता है, उसके अंदर डॉक्टर जाकिर नायक के उलझुल बयानों और उसके जो लॉजिक्स हैं खासतौर से लड़कियों के ऊपर, उसे देख करके सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा फूट पड़ा है। जैसा कि आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई पाकिस्तानी बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस जाकिर नायक को कोई पाकिस्तान से भगाओ। हालांकि पाकिस्तान के अंदर यह सेक्शन काफ़ी छोटा है जो कि धर्म और पॉलिटिक्स को और अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को अलग अलग देखता है, और यही सेक्शन अभी डॉक्टर जाकिर नायक के उलझुल आंसर को देख करके काफ़ी शॉक्ड है और हैरान परेशान है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश के अंदर इस छोटे से लिबरल ग्रुप की एक लिमिटेशन होती है या फिर उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा कि ऐसा लिबरल तबका यानी ग्रुप कई इस्लामिक देशों में मौजूद थे, लेकिन जब उन देशों पे जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों की पावर बढ़ती है तो ये ग्रुप खत्म कर दी जाती है या फिर ये ग्रुप साइलेंट हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। आखिर नायक ने एक और, वो वैसे तो कहते हैं कि चवली मार दी है लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए, लेकिन जो उन्होंने कहा है ना वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। सर मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी, एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना इसके ऊपर भी झड़क दिया डॉक्टर जाकिर नायक ने उस लड़की को। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया। फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती, वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके जहां पर इतनी खवातीन है उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो, आपको यकीन नहीं आ रहा है? देखिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज हमना हबीब। मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है? जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं तो ऐसा क्यों? बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे लड़कियों की तादाद ज्यादा है, तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है, चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है,
या वो बाजावरी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लव मेरे पास ही नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे, तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो। अब आप मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना और जो शादी नहीं कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो वो बाजारू बन जाती हैं क्योंकि वो किसी वजह से शादी नहीं करती, उन्होंने नहीं की, उनकी अपनी मर्जी। तो जाकिर नाइक वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जिसमें तुम्हारी मर्जी नहीं और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें बिकाऊ माल कहेंगे, हम तुम्हें बाजारू औरत कहेंगे, या हम तुम्हें पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने नाम रख दिया तुम्हें ये कहेंगे। ये इतनी बड़ी गैदरिंग में बका जा रहा है और लोग चुप करके सुन बैठ के सुन रहे हैं। और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ये फैसला करती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एजाजी डिग्री दी जाएगी। क्या बात है। अब इसके ऊपर जो है जो फिर चला है, फिर जो ट्रोल हुई है डॉक्टर जाकिर नाइक की, कहा कि आपने ये गलत कहा, आप जो ऑप्शन बता रहे हैं तो खातून जो है अगर उसको किसी ऐसे बंदे से या आदमी से शादी करनी पड़ेगी मजबूरन। उनका जवाब देखें, आप लॉजिक देखें, क्योंकि दुनिया में अमेरिका की उन्होंने मिसाल ये दी कि 42 लाख विमेन ज्यादा है मर्दों से, तो क्या होगा। अब वो अगर एक मर्द एक ही शादी करेगा तो वो तो फिर वो रह जाएंगी भाई। यहाँ पे तो ये सवाल ही नहीं है, यहाँ पे तो ये भी जरूरी नहीं है कि लड़की लड़की से शादी करे, ये छोड़ दें आप, ये आपके मसाइल हैं, ये यहाँ के मसाइल नहीं है। बहुत सारी खवातीन देखें ऐसी भी होती हैं जो मजबूरी में जिनकी शादियां नहीं होती, जो करना नहीं चाहती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, कमा के अपने घर वालों को पाल रही होती हैं, चलाती हैं, अपने बहन भाइयों को बड़ा करती हैं, पढ़ाती हैं, ऐसी खवातीन भी हैं। और फिर उनकी एज निकल जाती है, वो कहती नहीं करनी, तो वो क्या बाजारू हो गई। आपने उस बंदी को पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया जिसने अपने घर के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। कह लीजिए कि जो उन्होंने बातें की कि जी अनमैरिड फीमेल्स को लेकर, उसके ऊपर भी उनकी अच्छी खासी चित्रौल पाकिस्तान की पब्लिक कर रही है, उसके अलावा भी वो जो कुछ बातें करते रहे हैं अभी तक, तो उन्होंने ये भी कहा है कि यूट्यूब की कमाई हराम है। यूट्यूब की कमाई हराम कहां से हो गई, ये बात भी खैर जाकिर नाइक को ले डूबी है पाकिस्तान में। और उनको उनके लिए जी जाकिर नाइक का कहना ये है कि जी यूट्यूब की कमाई हराम है, अच्छा वो क्यों, वो इसलिए कि जी बीच में कमर्शियल आ जाते हैं तो उसमें लड़की दिखाई देती है, लड़की दिखाई देती है जी, लड़की ने कुछ भी पहना होता है। तो भाई आप मत देखा करें, आप जैसे मौलवियों को तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि इनको तो ना मोबाइल यूज करना चाहिए, बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान से वापस जाते हुए भी इनको किसी खच्चर गधे ऊंट या घोड़े पे भेज देना चाहिए, इसलिए कि अगर ये किसी फ्लाइट में जाएंगे तो वो भी काफिरों की बनाई हुई होगी और वो भी यकीनन हराम होगी।